हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी लोग? और अभी सुबह हो चुकी है, तो जैसे कि मैं उठ चुका हूँ और अभी टाइम अगर देखें तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:28 हो रही है, तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अभी चलते हैं और एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने हैं बाहर का नज़ारा आप लोग देख ही सकते हो कि किस प्रकार का हो रहा है। वैसे कोई नहीं, आपका ब्लॉग जो है पहली काफ़ी दिनों बाद आया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉग आपके आते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम दीपावली बीच में थी तो दीपावली सेलिब्रेट कर रहे थे आप लोग और मैं भी कर रहा था। वैसे मैं ज़्यादा नहीं किया, मतलब 2 दिन के लिए मैं गाँव गया था, तो इस वजह से। खैर कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और ब्लॉग बीच में नहीं आया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना। ये वीडियो काफ़ी आपको नॉलेज देगी, काफ़ी आपको जो है हेल्पफुल हो, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बोल सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं जाऊंगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर आप भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह कीजिए डेली, ठीक है, व्यायाम वगैरह, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहता है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं और करंट अफेयर से सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ दिन अपना। तो करंट अफेयर मेरी आप सभी समझते ही हैं कि मैं एचडी वीर लवर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं, ठीक है, सर हैं वो, तो उनकी करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ मैं। तो ये कि मतलब सुबह सुबह जो स्टार्टिंग मेरी करंट अफेयर से हो जाती है, आज संडे भी है तो आज मुझे हवन भी करना है, तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट की है अभी, एक्सरसाइज के तुरंत बाद मुझे कंप्लीट करनी है अपनी करंट अफेयर, और उसके बाद फिर मुझे तैयार होने के बाद फिर मुझे न्यूज़ पेपर पढ़ने के बाद, और न्यूज़ पेपर जैसे ही पढ़ूंगा उसके बाद मुझे हवन करने जाना है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं हर संडे को हवन करता हूँ, यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर डेली हवन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हवन क्यों करते हो, ऐसा क्या है, मतलब इतना टाइम क्यों बर्बाद करते हो उसमें। तो आप सभी को बताऊँ, देखिए क्या है कि कभी कभी ना हमको भी भगवान से थोड़ा जुड़ के रहना चाहिए, ठीक है। तो वही है कि मेरी आस्था है और हमारे यहाँ जो डेली हवन होता है, आई बिलोंग टू आर्य समाज, सो आर्य समाज फैमिली आप लोग समझते होंगे क्या है आर्य समाज। आप में से अगर कोई गुरुकुल में या फिर आर्य समाज में रहा होगा तो उसको पता होगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार होकर आ चुका हूँ और रेड ड्रेस में आ गया हूँ, तो मुझे अब न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि न्यूज़पेपर में अपना इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू आप लोग पढ़ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि हिंदी मीडियम में कौन सा न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा है, तो मैं आप सभी को बताऊँ कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर काफ़ी अच्छा है, इन दोनों को आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको पढ़ें, नहीं तो फिर एडिटोरियल वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी रहेंगी आपके लिए और हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए फिर खबर में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना हवन कंप्लीट करने के बाद फिर आ गया मैं और मैं पढ़ रहा हूँ सबसे पहले ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी जो है मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि मेरी ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th और 12th की काफ़ी कंप्लीट हो चुकी थी पहले, लेकिन दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ तो उसमें मेरी 4 बुक हैं, तो 4 बुक पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी 1 बुक कंप्लीट हो चुकी है 11th क्लास की, ठीक है। धीरे धीरे कर रहा था लेकिन अब मैं थोड़ी फास्ट करूँगा, क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से करनी है, तो जल्दी जल्दी से ये मुझे ख़त्म करनी है और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे आगे अपना नोट्स बनाना है। तो क्योंकि ज्योग्राफी के नोट्स मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने और मुझे उसको बनाना ही बनाना है, ज़रूरी है मेरे लिए काफ़ी, तो मैं ये कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो मेरी ज्योग्राफी चली रही है और आप लोग पूछ रहे हैं ज्योग्राफी के लिए क्या कर रहा हूँ, तो ज्योग्राफी के लिए आप सभी को पता होगा कि मैं कर रहा हूँ ज्योग्राफी 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है, उससे मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो रही है और काफ़ी अच्छी है, सफिशियंट है और बना रहा हूँ। ये मैं प्याज डालूंगा, प्याज पड़ रही है काट के, अब ये दोनों काटूंगा, नमकीन, हाँ नमकीन अपन डाल देगा, नमक रिफाइंड हल्का सा ढीला करके ज्यादा नहीं, बस 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 अब मिलेगा ये, जो बन गई हमारी तो भाई अब खाएंगे। अरे मेरी चम्मच ले, खा रहे हैं तो मस्त बनाया मंजीर, एकदम बढ़िया वीडियो बनाई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
मस्त बनाता मंजीत खाना, बढ़िया बनाता, पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, ट्यूशन चल रही है। और आप बताओ दीपावली कैसी मनी? पता है दीपावली कैसे मनी थी? ऐसे मनी थी दीपावली में कोई ब्लॉग नहीं आया ना? अब आएंगे, दीपावली हम घर गए थे ना, उसका ब्लॉग मंजीत के चैनल पर आएगा, लेट आ सकता है थोड़ा, एडिटिंग चल रही है उसकी। पटक चलाए थे, गुल्ली बम चलाए थे। चलो, तो मंजीत ने भेलपूड़ी बनाई थी, ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं थोड़ा नोट बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि अपने वॉल पे चिपकाना पड़ता है थोड़ा सामने, क्योंकि जिससे क्या है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलता रहे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों का मैंने इसमें लिखा है, ठीक है, और ये काफ़ी सही है मेरे लिए, क्योंकि इसको अगर मैं लिख लूँगा तो मेरे लिए हेल्प रहेगी कि मैं उसको रिविजन कर सकता हूँ। अच्छी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे की पॉइंट आपके बन जाएँ, मैं भी की पॉइंट बना रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने आपको चिपका दिया, आप सभी देख सकते हैं, अब इसको जब भी आऊँगा पढ़ सकता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं ये कंप्लीट करता हूँ अपने ज्योग्राफी का, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाया, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो इस वजह से खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी को मिलते हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में आपकी फंडामेंटल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी बोल सकते हैं, वैसे तो उसकी दो बुक है, ठीक है, फंडामेंटल ज्योग्राफी की 11th क्लास में बुक है, ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी है मेरे पास, ठीक है, और इसके बाद फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो दोनों में से अभी पढ़ रहा था मैं फिजिकल ज्योग्राफी, और जिसमें मैंने वो की पॉइंट बनाया, तो उसमें ह्यूमन और फिजिकल दोनों का ही बनाया है, ठीक है, आप भी ऐसे बना सकते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट। और ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मेरी स्टार्ट होती है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आप सभी को पता ही है कि मेरी एंशियंट हिस्ट्री चल रही है, मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की थी लेकिन उसको फिर मैंने स्टॉप कर दिया है, मैंने सोचा कि अपनी एंशियंट हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर लूँ उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री पर आऊँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जब तक मेरी कंप्लीट नहीं होगी, तो मतलब एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी तब तक फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे जा सकता हूँ, मतलब तब भी मैंने सोचा थोड़ा, मैंने कहा उसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद इसमें आऊँगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो मैंने इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा छोड़ दिया, अभी स्पेक्ट्रम यानी पढ़ रहा था मैं, उसमें कई चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि एंशियंट हिस्ट्री एक बार कंप्लीट कर लूँ, तो वही मैं कर रहा हूँ, ऑनलाइन मेरे पास पीडीएफ है तो उसी पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी है, ठीक है, और मार्क भी कर सकता हूँ मैं, तो मार्क कर करके पढ़ रहा हूँ, जो भी अच्छा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो पढ़ता जा रहा हूँ। तो आपसे भी यही कहूँगा कि आप जब भी पढ़ें कोई चीज़, मैंने इसको पढ़ा है मान लो, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो पहली बार जो है मार्क मत करना, उसके बाद जब दोबारा से करो तब मार्क करते जाना जो जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, ठीक है, तो जब दोबारा से आप मार्क करोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। और पहली बार में क्या होता है कि पहली बार में आप लोगों को सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो सब कुछ ही हम मार्क कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पहली बार में नहीं करना चाहिए, दूसरी बार जब पढ़ो तब आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक ना करें जब तक आपको समझ में ना आए, यही मार्क करने का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप सभी समझ ही रहे होंगे, ठीक है, हाईलाइट करते जाओ, ठीक है उसको। तब तक मंजीत ने खाना बनाया था, तो मैंने फिर खाना खाने के लिए मैंने देखो ये क्या खिचड़ी है, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं, मैंने कंप्लीट कर लिया था लेकिन उसके बाद खाना खाने लग गया, तो मंजीत खा रहा है देखो काफ़ी अच्छा है, खैर कोई दिक्कत नहीं, मंजीत ने बनाया। और अब स्टार्ट करता हूँ अपनी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मेरी अभी बची नहीं है क्योंकि पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद सेकंड चैप्टर है ये मेरा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट चैप्टर बुक का नहीं है, यानी कि ये मेरे 14, 15, 16 चैप्टर हो चुके हैं और ये 17वां चैप्टर है, तो 17वां चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, और 5 चैप्टर बचे वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, इसको भी कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे जो है एक क्लास लेनी है, तो क्लास कंप्लीट करूँगा फिर मैं उसकी, वो भी हिस्ट्री की क्लास है, तो हिस्ट्री की क्लास चल रही है मेरी, जैसे कि मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं उसको क्लास के माध्यम से कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है कि मेरे लिए क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तुरंत यूट्यूब पर सर्च करो, उसके बाद फिर आप क्लास को कंप्लीट करके उसको भी अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे आपको अच्छे से अच्छे, क्योंकि मुझे कौन सा अच्छा लगता है या आपको कौन सा अच्छा लगता है वो डिपेंड आपकी नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ नेक्स्ट।